करोना कब्जारे कोमलमती शिशु 18 वर्षरु कम किशोरंकु हु माडुछि महामारी। अगस्ट 14 चिन्हट होइथिले 138, तापर 24 घंटे पुणि 104 नुआ संक्रमित। राज्यरे टेंशन बढ़ाइलाणि दैनिक 100 पार शिशु संक्रमण ट्रेंड। डीएमईटी कहुछन्ति देशरे दैनिक संक्रमण हार मध्यरु 12% शिशु ओ किशोर थिबाबेले राज्यरे भी सही अनुपात प्राय समान। प्रथम लहररे जेउ ट्रेंडरे थिला से ट्रेंड आज भी जारी रही। अनेक लक्षण विहीन बाहरुछन्ति, सीभीअरिटी कम रहुछि, संक्रमण उपरमुहा हेले जाई तृतीय लहर बोली जना पड़िब। 18 वर्षरु कम वयस्कंकु कोविड टीका दिया जाय नथिबारु सेमानंकु संक्रमण आशंका सबुठु बेसी। एभली स्थितिरे सेमानंकु सुरक्षित परिवेशरे रखिबा निहाति दरकार। शिक्षानुष्ठानरे शिक्षक ओ कर्मचारी टीकार दुईटी जाक डोज नेबा सह सठिक कोविड नियम मानिबाकु पड़िब। सेपटे स्वास्थ्यमंत्री नव दास कहिछन्ति संभाव्य तृतीय लहररे शिशुमाने अधिक संक्रमित हेबा आशंका देखि राज्य सरकार आगुआ पदक्षेप नेइछन्ति। जिल्लारु राज्य स्तर पर्यंत टास्क फोर्स गठन होइछि। कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आसिनथिले भी शिशुंक देहरे लक्षण थिले तुरंत चिकित्सा आरंभ करिबाकु सबु मेडिकल कर्तृपक्षंकु निर्देश दिया जाइछि। शिशु मानक वैक्सीनेशन दे प्रोटेक्शन दबार एपर्यंत सुजोग आसीना तेणु आम कौन करवा केमती संक्रमण न जाऊ से विषय चिंता करवा तेणु स्कूल अन्य टीचर स्टाफ से प्रोटेक्ट करेंगे जब प्रोटेक्टेड हे नाचुराल से इनफेक्टेड हेनी एटिक आसवानी पेरेन्ट मानक आम से अनुसार सेनसीटाइज करवा डिपार्टमेंट तरफ सर्कुलर जाए सेंटर ऑफ एक्सलेंस को आम शिशु भवन कटक को करवाई निष्पत्ति दिखाई एवं सबु सीडीएमओ पीएचओ सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज समस्त को आइसोलेशन बेड क्रिएट करने आईसीयू डाउन लेवल ऑफ एफआरयू सीएससी लेवल करने निर्देश दिया सरी। एजाए शिशु आसीनी कोरोना टीका तेणु एटि प्रश्न महामारी कबल केमिति शिशु को रखी हेबो सुरक्षित। विशेषज्ञों मतरे घरे केही संक्रमित हेले शिशु मानक ठारु तुरंत दूरे रुहंतु। बाहर को जीवार थिले किंबा घरे केही संक्रमित थिले शिशु मानंकु निश्चित मास्क पिंधांतु। सानिटाइजर और साबुन रे बारंबार शिशुंकर हात धुअंतु। ज्वर काश और देह हात गोला बिंधा लागि रहिले तुरंत कोविड टेस्ट करी डाक्तरंक परामर्श रे औषध नियंतु। कौनसी संक्रमित व्यक्तिंक संस्पर्श रे आसी भी लक्षण नथिले मध्य शिशुंक स्वास्थ्य उपरे नजर रखंतु। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ଭଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ବା ଶରୀର ମଝିରେ ମାଇଲଜା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଶରୀର ବ୍ୟଥା ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦିଓ ଛୁଆଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେଟା ସିରିୟସନେସ୍ ବା ଦେଖାଯାଏନି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ମେଡିସିନ୍ ନଦେଇକି ନିହାତି ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାଟା ଉଚିତ ହେବ। ସେପଟେ 10ମ ପରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 9ମ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା। दीर्घ दिन परे स्कूल आसी छात्रछात्री सका 9 क्लास आरंभ हो दिन 12:30 जाए चलो। स्कूल रे प्रवेश बेले छात्रछात्री को थर्माल स्क्रीनिंग करा बेले सामाजिक दूरत्व रक्षा करी सीटिंग आरेंजमेंट भी होई कारण एबे समस्तों फोकस रे रही पिलांक संक्रमण ट्रेंड। ब्यूरो रिपोर्ट।